हेलो बच्चों, काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि क्या हम सारा कोर्स कवर करने के बजाय कुछ ही चैप्टर पे फोकस करें और उसी को अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। तो देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पहली बात तो जो एडवांस का पेपर है उसमें और जेई मेंस के पेपर में एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स के एक ओवरलैप होता है। मतलब एडवांस के पेपर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही इजी हैं, और मतलब उसको मेंस के लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एडवांस के लेवल के आते हैं। अगर हमने किसी कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर लिया तो दैट डज नॉट मीन कि अगर उस टॉपिक से टफेस्ट क्वेश्चन आएगा मान लिया पेपर के अंदर तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट जो हम टॉपिक छोड़ के गए हैं, यूजली बच्चे बोलते हैं पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये समझ में नहीं आते, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मिनिमम लेवल तक तो जरूर तैयार करके जाओ। इसी का एक एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू शो। तो इसमें क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि एक सेट है ए जिसके अंदर इस तरह के नंबर्स हैं जहां थीटा रियल है। उसका मतलब है थीटा की अगर हम रियल वैल्यू रखेंगे तो ये जेड वन अपॉन जेड टू के फॉर्म का है। जेड टू को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस सेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इन्फाइनेट कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम थीटा की इन्फाइनेट वैल्यूज रख सकते हैं। If a contains exactly one positive integer and then the value of n is, अगर देखो exactly एक आएगा तो हमारे इस question के हिसाब से n is equals to 1967 plus 1686 iota times sine theta whole divided by 7 minus 3 iota cos theta, ठीक है, ये हो गया। अब cross multiply किया तो n times 7 minus 3 iota cos theta is equals to 1967 plus 1686 iota into sin theta। कि इस क्वेश्चन में अगर cos theta मान लिया जीरो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये sin theta जीरो नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या है कि अगर sin theta जीरो नहीं होगा तो ये तो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा क्योंकि ये रियल है, ये रियल है, और अगर मान लिया cos theta जीरो हो गया तो इधर कुछ इमेजनरी बचा ही नहीं और इधर नॉन जीरो इमेजनरी आएगा। ऐसे ही अगर साइन थीटा जीरो हो जाए तो फिर इधर कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता, उसका वैल्यू वन या माइनस वन आएगा, फिर ये इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो जीरो या पाई बाई टू टाइप नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि ये दोनों में से कोई भी जीरो होना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका मतलब क्या है कि इट विल रिमेन इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा। तो उसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ये हो गया बस। तो 7 इंटू एन शुड बी 1967, तो बस यही n की वैल्यू होगी। तो n इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 7 हो जाएगा 2, और यहाँ पे बचा 8 1, तो n इज 281, यही आंसर। इट इज एज सिंपल एज दिस। बस केवल हमें ये लॉजिक लगानी थी कि जैसे ये हो गया तो मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, ये तो हमें बोर्ड के अंदर भी पता होता है। तो इट इज़ दैट ईजी क्वेश्चन। तो आई होप आपकी एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी, सारे चैप्टर आप कम से कम एक मिनिमम वे तक जरूर तैयार करके जाएंगे ताकि अगर इतना ईजी क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे ना। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।